बोलते भैया मेरा एक ही देखिए जनहित में जारी है, ए बी सी डी, आप लोग सी पे अटक गए, बी भी आता है डी भी आता है, ऐसा मत कीजिए। लेकिन मैं एक बता रहा हूं, देखिए अनुराग जी आ रहा हूं, अनुराग जी इन एग्जैक्ट 30 सेकंड्स, मेरे सारे रिपोर्टर लाइव, आई हैव टू गो टू देम। भाई अरविंद केजरीवाल बाहर आए, दिल्ली का चक्का जाम कर दिया, हरियाणा में कैंपेन करेंगे, कांग्रेस का वोट काटेंगे लेकिन इंडिया अलायंस अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रही है, बीजेपी की मदद करेंगे लेकिन बीजेपी विरोध करेगी, कोई मानेगा नहीं डिबेट पे। मेरे रिपोर्टर चारों लाइव है, दीपक जी है, अजब देश की गजब कहानी टाइप सिचुएशन है। जतिन कहां है आप? अनामिका और शिखा के पास मैं जा चुका हूं, शिखा जी वापस आ रहा हूं। जतिन, जतिन जी बिल्कुल अश्वेरा, इस वक्त मैं आउटर रिंग रोड पर मौजूद हूं और आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूं कि अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है वो चंगिरा मखाड़े की तरफ बढ़ रहा है आगे। मेरे वीजे अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे, अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से निकले तो दिल्ली की मौजूदा क्या स्थिति है वो भी अरविंद केजरीवाल अपने इस चंगिरा मखाड़े तक पहुंचते हुए देखते हुए जाएंगे कि कैसे ट्रैफिक जाम है और सड़कों पर वाटर लॉगिंग है क्योंकि बारिश आज सुबह से ही हो रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आउटर रिंग रोड के पास की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब हम एनएसपी से बुराड़ी की तरफ जाते हैं वो वाला पूरा स्ट्रेच है और आप तस्वीरों में देखेंगे इसी तस्वीरों में आगे जो आपको बस नजर आ रही है ऑरेंज कलर की, वहीं पर ही अरविंद केजरीवाल का काफिला भी है। अगर हम गूगल मैप्स पर जाएंगे तो तकरीबन 20 से 22 मिनट अभी लगेंगे अरविंद केजरीवाल को चंगिरा मखाड़े पहुंचने में। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि तिहाड़ जेल से जब वो निकले थे तकरीबन 1 घंटा 4 मिनट का समय दिखा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर इसमें यह भी है कि अरविंद केजरीवाल जब अब निकलेंगे, रोड शो करेंगे, अपनी एक तरीके से जमानत जो उनको मिली है उसको सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन जिस रास्ते से वो गुजर रहे हैं वहां पर दिल्ली की समस्याओं को भी वो देखेंगे। क्योंकि आगे तक सिर्फ और सिर्फ जो गाड़ियां है वो यहाँ पर ब्लॉक करके चल रही है और अभी देखिए कुछ देर के लिए हमें थोड़ा कुछ रास्ता साफ मिला है, इसके बाद देखिए हमें फिर आगे देखिए जो गाड़ी है हमें आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। जगह जगह जो पुलिस वाले वो भी यहाँ पर खाली करवा रहे हैं और जिस तरीके से अगर बात करें यहाँ पूरे रास्ते की तो हमें कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जोरदार बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है और जो काफिला देख रहे हैं आप, ये काफिला आगे बढ़ते बढ़ते एकदम बहुत लंबी कतार है, करीब 50-60 गाड़ियां हैं जो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ती भी आपको दिखाई देंगी। हालांकि जो रास्ता है वो आगे जाएगा, आगे शिखा शर्मा पुलिस जी और जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर है, शादी का बैंड है शिखा जी, कोई शादी नहीं है, कोई जेल से बाहर आ रहा है, शादी का बैंड है, लोग बारिश में नाच रहे हैं, गा रहे हैं भगवंत मान। हरियाणा के मुख्यमंत्री जब नाच गाना कर रहे हैं तो कोई क्या बोले। शिखा जी ओवर टू यू। बिल्कुल शहजाद आप समझ रहे हैं, आम आदमी पार्टी इज प्लेइंग द परसेप्शन गेम, उन्हें एग्जैक्टली पता है कोर्ट ने क्या कहा है। केश पैरटवाला भी कहा है, दीपक जी के पास भी मैं जा रहा हूं, जो निवान शर्मा ने कहा वो भी कहा है, लेकिन ये भी कहा है दैट ही कैन नॉट साइन। वो बात अलग है कि मुख्यमंत्री कोई फाइल साइन ही नहीं करते, वो कोई पहले भी नहीं करते थे और ये लाइव शॉट्स हैं इस समय, दीज आर लाइव शॉट्स ऑफ अरविंद केजरीवाल, ये अरविंद केजरीवाल के लाइव शॉट्स हैं, हमारी टीम वहां भी लाइव है और ये लाइव शॉट्स आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। उनका रोड शो शुरू हो गया चंदकीरा मखाड़े से वो अपने घर की तरफ लाइव बढ़ेंगे। बीजेपी आम आदमी पार्टी एक क्षण पॉलिटिकल माइलेज लेने में पीछे नहीं हटेगी, अगर कोई और पार्टी होती तो शायद वो भी यही करती। उनके नेता, सर्वोच्च नेता इस पार्टी के जेल से बाहर आए हैं, वो कोई टाइम वेस्ट करने के मूड में नहीं है। अरविंद केजरीवाल इज ट्राइंग टू गेट और अर्न एवरी पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट आउट ऑफ इट, और राजनीति के हिसाब से ठीक, उधर फ्रेम ब्लैक हुआ, दूसरा फ्रेम ओनली चैनल टू हैव मल्टीपल कैमराज अराउंड है हर एंगल से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात भी कर रहे हैं, बीच बीच में टिप्पणियां दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, वो अपने जनता से कनेक्ट कर रहे हैं। अभी मेरे साथी जतिन बता रहे थे भाई सुबह से बारिश हो रही है, दिल्ली की प्रॉब्लम भी देख रहे हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ही। दीपक चौरसिया जी, आम आदमी पार्टी परसेप्शन गेम खेल रही है, वो पूरी दिल्ली का रोड शो करते हुए चक्का जाम का दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के टॉलेस्ट नेता हैं। दीपक चौरसिया पीआईपी, दीपक दादा पीआईपी प्लीज।
जी हाँ ऐश्वर्या, बिल्कुल वही गेम खेल रही है जो आम आदमी पार्टी को खेलना चाहिए। आम आदमी पार्टी ना अब कोई एनजीओ है, ना भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई संस्था, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी। और चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में एक जज के जो केस पेरेंट पैरेंट वाला कमेंट आया है, और इसके साथ ये एक तरह से कहा गया है सीबीआई के लिए सीजर्स वाइट शुड बी अबव ऑल सस्पिशन, तो ये बातें हैं जो पॉलिटिकल नैरेटिव में आम आदमी पार्टी को बहुत सूट करती हैं। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल चांदीराम अखाड़े से लेकर ये पूरा का पूरा रोड शो करने वाले हैं। लेकिन ऐश्वर्या, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा, अन्ना हजारे के आंदोलन में मैं 12 से 18 घंटे रामलीला मैदान के अंदर खड़ा रहता था। उस वक्त मैं स्टार न्यूज के अंदर काम करता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये देख के कि भारतीय राजनीति को बदलने के लिए कोई आ रहा है। लेकिन मैं आम आदमी के प्रवक्ता से आज पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ कुछ सालों के अंदर कि झाड़ू से आपकी शुरू हुई राजनीति दारू पे आकर यहाँ खत्म हुई, कि उसी के चलते अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, बाकी लोगों को जेल भी जाना पड़ता है और उसके बाद बेल लेने के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ता है। चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उनका जेल में रखने का कोई लॉजिक नहीं है। मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूं कि कुछ ऐसे कमेंट है जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी एक अच्छा पॉलिटिकल नैरेटिव हरियाणा के चुनाव में बता सकती है। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, ऐसी आपकी राजनीति 360 डिग्री क्या घूमी कि आप झाड़ू से दारू पर आ गए? निवान जी। जी जी, देखिए मैं, ये दीपक जी बड़े सीनियर व्यक्ति हैं और ये पूछ रहे हैं तो हम जवाब देंगे कि हमारी तो कोई राजनीति 360 नहीं घूमी, हमने तो दुनिया की राजनीति 360 घुमा दी। अभी ये सीसीसी कर रहे थे, हम तो इनको एबीसीडी भी सिखाएंगे और आई फॉर इलाज भी करेंगे इनका। हमने तो, अरविंद केजरीवाल ऐसा व्यक्ति है जिसने देश की राजनीति को मुद्दों पे लेके आया, जो जिसने देश की राजनीति एक पहली बार, आप अगर हरियाणा की बात कर लीजिए, पहली बार इतिहास में हरियाणा की राजनीति मुद्दों पे होने जा रही है। पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री को बाहर आके ये बोलना पड़ा कि हम शिक्षा के लिए ये कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य के लिए ये कर रहे हैं। क्यों ऐसा बोलना पड़ा? क्योंकि वहां पे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स उतरा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी कोई आम आदमी पार्टी नहीं। और आप इस क्षण को, आप जो कह रहे हैं ना कि बैंड बाजा बारा, ट्रैफिक जाम लग गया, ये हो गया, अनुराग जी आ रहा हूं, आप इस क्षण को मामूली मत आंकिए। ये क्षण ऐतिहासिक क्षण है। क्यों? क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति को पकड़ के 177 दिन के लिए जेल में रखा गया एक तानाशाह द्वारा। तानाशाही की चरम सीमा को निपटते हुए, उनके सामने घुटने ना टेकते हुए ये व्यक्ति बाहर आके खड़ा है जनता के बीच में। तो आपको उसको समझना पड़ेगा, ये कोई आम बेल मत समझना, इसको आम बेल नहीं है। ये पूरे देश की ताकत, पूरे देश की पॉलिटिकल ताकत जो है इस एक व्यक्ति को जेल के अंदर रखने के लिए लगी हुई थी, पूरे देश की पॉलिटिकल ताकत। अगर आप इस बात को नहीं समझते, मैं जानता हूं कि आप इस बात को समझते हैं, देश के कहां से इसका नरेशन सेट हो रहा था ये भी आप लोग जानते हैं सब, कौन से वकील, कौन सी ताकतें, कौन सी एजेंसियां इस सिर्फ इस बात पे लगी थी कि अरविंद केजरीवाल को उनका नहीं, आपका भी कहां से सेट होता था पता था।